गोविंदगढ़ राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तृतीय एक दिवसीय कैंप का आयोजन किया गया। सरस्वती वंदना एवं लक्ष्य प्रीत के पश्चात मतदाता जागरूकता को लेकर एक पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें मुक्त शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि महाविद्यालय के एनएसएस कैंप विद्यार्थियों में सहभाव एवं सेवाभाव जागृत करने का माध्यम है। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम अधिकारी हिमांशु अवस्थी ने किया। स्वयं सेवकों ने इसके पश्चात महाविद्यालय में कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार महोलिया के नेतृत्व में श्रमदान किया। स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय के विवेकानंद उत्थान एवं परिसर की साफ सफाई की। इसके पश्चात स्वयं सेवकों ने मानव श्रृंखला बनाई। सहायक आचार्य मोनिका ने रिफ्लेक्शन सेशन आयोजित करने में सहयोग प्रदान किया। अल्पाहार के पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति हुई। कार्यक्रम में महाविद्यालय कार्मिक राजेश शर्मा, पूरन शर्मा, श्रीकांत पाठक, कोमल, लक्ष्मी नारायण, चूरबीन मीना, योगेंद्र मोदी एवं छात्र गोविंद, वीर, प्रेम, मुक्ता, अभिषेक आदि उपस्थित रहे।